अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो हर एक रिलेशनशिप में एक समय ऐसा ज़रूर आता है, एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर आती है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सिचुएशन सबसे ज़्यादा ये होती है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, लाइक आपके गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है। अगर आपका एक रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, उस रिलेशनशिप को झंड करने के लिए कोई तीसरा पर्सन आपके रिलेशनशिप में आ जाता है, और उस समय हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेशनशिप में, हमें कुछ समझ नहीं आ पाता हम क्या करें इस सिचुएशन में। तो इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को सही से फॉलो करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, और आप जो थर्ड पर्सन है उसके होते हुए भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, आप ही के पास आएगा। तो ये क्या चीज़ें होंगी, साइकोलॉजी फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी को बता दूं, मैं अभी तक 90 से ज़्यादा रिलेशनशिप ठीक कर चुका हूँ। अगर आपके भी रिलेशनशिप में कोई बड़ी प्रॉब्लम है और आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कॉल मी फॉर एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे रजिस्टर करके आप टिप्स विथ हरीश को सर्च करिए उस एप्लीकेशन में लॉग इन करने के बाद, और आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं 90 से प्लस रिलेशनशिप ठीक कर चुका हूँ। तो आपके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम बताने के लिए। अब हम बात करेंगे कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है एग्जैक्ट हमारे रिलेशनशिप में। हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से चल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी समय से रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है जो हमारा बॉयफ्रेंड है, जो गर्लफ्रेंड है ना, किसी और से बात करने लग जाते हैं। मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो हमें टाइम दे रहा था, जो हमसे बात करने का टाइम है, जो हमसे कॉल पर बात करने का टाइम है, मैसेज पर बात करने का टाइम, वो टाइम अभी इस थर्ड पर्सन को दिया जा रहा है। और इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपकी तरफ से, आप काफी ज्यादा कंप्लेनिंग नेचर कर लेते उस समय, काफी ज्यादा कंप्लेन करते, तो इससे क्यों बात कर रहा है, तू मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है, तूने इससे बात क्यों कर ली, मुझे पूछे बिना कैसे बात कर ली, तू मुझे धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इससे सामने वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड होता है। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूं, अगर सामने वाला इंसान सिर्फ एज अ फ्रेंड भी उससे बात कर रहा है, और अगर आप कंप्लेनिंग नेचर रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा झगड़े करते हैं डेली, तो एक समय ऐसा आ जाएगा सच्ची में, अगर वो इंसान उसके पास नहीं भी जाना चाहता होगा तो भी चला जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो है मैच्योर है। अगर क्या होता है, जो भी इंसान है ना हमारे रिलेशनशिप में, जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में, हर इंसान को मैच्योर इंसान काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और लोग मैच्योर इंसान के काफ़ी ज़्यादा दीवाने होते हैं। अगर मान लो मैं हूँ, मेरे साथ एक बंदा है, किसी लड़के के पीछे हम भाग रहे, अगर वो लड़की मेरे को क्यों भाग देगी या फिर इस बंदे को क्यों भाग देगी जिसके अंदर मैच्योरिटी होगी। एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये बंदा उसके पीछे भाग रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, उसको दिखा रहा है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तो लड़की इसको क्या बोलेगी, पता है, ठीक है तुम अच्छे हो, मेरे को बहुत अच्छे लगे, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके पास जाना, क्यों, क्योंकि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो जा रही, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं मैच्योरिटी रख रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो इंसान, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इंसान उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो उसको नहीं मिलते। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्लेनिंग नेचर, तो उससे बात नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा, अगर उससे बात करेगा तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, ये चीज़ें हम करते हैं। अगर हमें पता चल चुका है तो हमें थोड़ा मैच्योरिटी से काम करना पड़ता है। इस सिचुएशन में हमें ये चेक करना है कि वो सामने वाले से बात कर रहा है, तो हमें यहाँ से ये चेक करना है कि वो सामने वाले से क्या बात करता है, एज अ फ्रेंड या फिर एज अ रिलेशनशिप, या फिर उसी रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है, या फिर फ्लर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अगर आप ये चीज़ें पता करें और आपको लग रहा है कि हाँ वो मेरा जो टाइम एक्स्ट्रा टाइम उसको दे रहा है या फिर एज अ फ्रेंड बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कंप्लेनिंग नेचर नहीं करना या फिर कुछ नहीं। और अगर वो एज मतलब लाइक आपका जो टाइम है, जो आपसे बात करने का टाइम है, जो आपको टाइम दे रहा था, अगर ये सारी चीज़ें आप अभी उसको दे रहा है, आपका टाइम एक्स्ट्रा टाइम उसको दे रहा है, तो उस समय आप काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर करते हैं और झगड़े करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है रिलेशनशिप में, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है रिलेशनशिप में। तो आपको इस समय क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोज़ को पहले से देखते आ रहे होंगे तो मैं मेरी वीडियो में हर एक लाइन बोलता हूँ कि इंसान को जितना खुला छोड़ोगे उतना इंसान आपके पास आता है। जी हाँ, बिल्कुल ये लाइन काफ़ी ट्रू है। हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान को बांधने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका पार्टनर हो गया, जिस अगर आप किसी थर्ड पर्सन से बात करें तो हमें हमारे प्यार पे या फिर हमारे बॉयफ्रेंड पे, हमारे गर्लफ्रेंड पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं, कहीं नहीं जाएगा। तो आप अगर इतना ट्रस्ट बिल्ड करके रखोगे ना, तो सामने वाला ना आपका धोखा देने से पहले 10 बार सोचता है। और अगर आपका ट्रस्ट टूट भी रहा, आपको लग रहा है कि नहीं अगर मैं शक नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो छोड़ के चला जाएगा किसी और, एक चीज याद रखो, देखो आप रोक लोगे, आप झगड़ा कर लोगे, तो अगर उसको जाना है तो जाएगा, और अगर आप मैच्योरिटी दिखाओगे और अगर उसको जाना है तो भी जाएगा। तो हमें सबसे बेस्ट वे है मैच्योरिटी। सामने वाला इंसान 10 बार सोचता है। अगर एक चीज़ यार देखो, सामने वाला इंसान जो है ना, अगर आप थर्ड पर्सन से बात करें तो हम कंप्लेनिंग नेचर कर लेते, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हमें उस समय उसको रोकना नहीं है। थर्ड पर्सन आ रहा है, हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन का नंबर निकाल लेते या फिर उससे कॉल पर बात करते, उससे बात नहीं करेगी, ये करेगा, वो करेगा। और जब सामने वाले आपके पार्टनर को पता चल जाता है,
आपने उसके मोबाइल से या फिर कहीं से उस इंसान का नंबर निकाल के उससे कुछ बोल दिया या फिर उल्टा अनाप शनाप बोल दिया, तो ये जो इंसान है ना वो आपसे झगड़ा करता है, फिर आप उससे झगड़ा करते हो, तो उसके लिए मेरे से झगड़ा करा, तो ये करा वो करा, और इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ना रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप एक समय ना ब्रेकअप की सिचुएशन पे पहुंच जाता है। तो हमें इस समय मैच्योरिटी दिखानी है, आपको ये चीज़ पता है, किसी और से बात कर आप क्लियरली पूछ लेना कि भाई आपके क्या है उसके साथ, भाई अगर आप हमें धोखा देना चाहते हैं या फिर आपको उससे बात करना पसंद है तो ठीक है आप जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अगर इस सारी सिचुएशन के बाद वो बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, अगर प्यार से समझा रहा है ऐसा कुछ नहीं, हमारे सिर्फ एज अ फ्रेंड बात कर दे, और अगर वो कभी कभी बात करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका टाइम है दिल्ली का, आपका बात करने का टाइम है, जो भी टाइम है, अगर वो सच्ची में उसको दे रहा है तो उस समय आपको एक चीज़ करनी है, क्या करना है कि जब सामने वाला डेली उससे बात कर आपको बोलने के बाद भी उसने सिर्फ बोला कि फ्रेंड है, तो आपको क्या करना है, ठीक है तुम बोलो फ्रेंड है, लेकिन जो मेरा टाइम है या फिर जो भी मेरी टाइमिंग जो हमारी बात होती थी वो सारी बातें कम हो चुकी, मेरा टाइम तो उसको दे रहे, तो अभी मेरे को लगता है कि इस रिलेशनशिप में मेरा कोई मतलब नहीं, तुम अच्छे है तो एक काम करो आप उससे बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं आपकी रिलेशनशिप को हमारे रिलेशनशिप को यही स्टॉप कर दूँ मैं, या फिर मेरे को इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, खत्म। हम ये चीज़ बोलते और हम खुद सामने से उसको मैसेज कर देते, हमें क्या करना है ये चीज़ बोल के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लेना है सही से। क्या होता है जब लोगों ना हम उससे दूर जाने लग जाते हैं ना, तो थर्ड पर्सन से बात करना बंद कर देता है। क्या होता है देखिए, आपको उसको क्लियरली एक लाइन बोलना है, तुम एक तो मुझसे बात कर लो या फिर उससे बात कर लो, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे बात करो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एज अ फ्रेंड सब चीज़ें, लेकिन तुम जो एक्स्ट्रा टाइम मेरा टाइम है, जो हमारे बात करने का टाइम है, स्पेशल टाइम, अगर तुम उस टाइम पे भी उस थर्ड पर्सन को ला रही या फिर उसको रिप्लाई दे रही या फिर उससे बात करो, तो मुझे इससे प्रॉब्लम है, क्लियरली मैं आपको बोल रही हूँ भाई, ठीक है, या फिर क्लियरली बोल रहा हूँ भैया, ठीक है खत्म करो। अगर तुम्हें उससे इतनी बात करने की शौक है या फिर उससे इतना बात करने का मन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जा सकते हो बात कर लो, मुझे क्या दिक्कत है, इस तरीके से मैच्योरिटी देखा। हम क्या करते हैं, नहीं तो अगर तुझे उससे बात करनी तो मेरे से बात मत करना, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, ये चीज़ें करते हैं, और इस चीज़ें से हमारी ना इज्जत, हमारी जो इंपॉर्टेंस होती है ना उसकी नज़रों में कम हो जाती है। हमें ये चीज़ बोल देनी कि अगर तुम उससे बात करनी भाई उससे कर लो, अदरवाइज मेरे से कर लो, खत्म करो, कोई भी एक इंसान से बात कर लो। अगर तुम एज अ फ्रेंड बात कर लो तो एज अ फ्रेंड किसी से रोज़ रोज़ बात नहीं होती, डेली उससे दो दो तीन तीन घंटे बात नहीं होती, इतने हम भी मैच्योर है, इतने हमें भी समझदारी है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम काफ़ी होशियार हो, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम दोनों से बात कर सकते हो और मुझे अगर तुम चीट कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें उससे बात करनी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जाओ बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से क्लियरली वर्ड्स बोल के वहाँ से निकल लेना है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बात कर लो उससे, और कॉल पे उसका कॉल रिसीव करना बंद कर दो, उससे मैसेज से रिप्लाई देना बंद कर दो। हम उस समय क्या करते हैं, नहीं नहीं उसको ना बोलने के बाद भी हम उससे चेक करते हैं ऑनलाइन, वो सच्ची में उससे बात करा कितने घंटे बात करा, दूसरा लोग यहाँ पे यही गलती करते कि चेक करते रहते कि हाँ सच्ची वो बात करा एक घंटे ऑनलाइन है दो घंटे ऑनलाइन है, मतलब उससे बात करा, फिर हमसे हाँ नहीं जाता, फिर हम मैसेज कर देते, नहीं मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी अगर आपके अंदर है, अगर वो सच्ची में आपका है तो आपके पास आएगा, हमें ये चीज़ क्लियरली बोल के वहाँ से निकल लेना, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन उनसे बात करो या फिर लाइफ में हो जाओ, अगर वो सच्ची में आपसे प्यार करता है तो उस इंसान को छोड़ के आपके पास आना जरूरी समझेगा, और अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो इंसान आपके पास आना जरूरी नहीं समझेगा, तो थर्ड पर्सन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है या फिर उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो उससे बात करेगा, आपके पास आना जरूरी नहीं समझेगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज अप्लाई करके देखनी है कि हमें उससे दूर हो जाना है, ठीक है तुम उससे बात करनी भैया करो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें उसको सामने से मैसेज कॉल सब कुछ बंद कर देना, अगर वो सामने से हाई का मैसेज कर रहा है तो हाई का रिप्लाई एक घंटे दो घंटे के बाद या फिर दो दिन के बाद दो, अगर गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो गुड मॉर्निंग बोल दो, बस इतना ही, जितना पूछ रहा उतना जवाब दो, अगर वो कॉल कर रहा है तो कॉल रिसीव नहीं करना है, एक दो बार अटेम्प्ट लगा रहा है तो उठा लो, अगर नहीं लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम परेशान हो जाते नहीं यार अगर वो कॉल नहीं कर रहा किसी और के बारे में, जो जिसको जाना हो जाएगा, कितना भी रोक लो कितना भी बांध लो, इंसान को हम बांध नहीं सकते हैं, उसका नेचर अगर ये है कि मुझे इसके साथ भी या फिर उसके साथ भी रहना है, उसके साथ भी सेक्स करना है, उसके साथ भी सेक्स करना है, इसके साथ भी रहना है, तो जाएगा और रहेगा, आप कितना भी बांध लो। और अगर जो इंसान रियल में सच्ची में आपसे प्यार करता है, उसको आपकी इंपॉर्टेंस पता है, रिलेशनशिप की वैल्यू पता है, काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप है, तो कहीं नहीं जाएगा। तो हमें ये चीज़ बोल देनी, हमें उससे दूर हो जाना, देखना है 10 से 15 दिन वो सच्ची में हमारे पास आता है या नहीं, आएगा 100% आएगा, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाएगा ना कि यार अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ और अगर सच्ची में इससे बात करते करते इस इंसान की वजह से अगर मेरा रिलेशनशिप टूट रहा है या फिर मेरा जो पार्टनर है दूर जा रहा है, तो फिर सच्ची में आपके पास आ जाएगा। और अगर वो एज अ फ्रेंडली बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको झगड़े करने की जरूरत नहीं, मैच्योरिटी दिखानी, लेकिन आपका टाइम अगर उसको दे रहा है तो आपको नो कॉन्टैक्ट रूल वाली जो मैंने चीज़ बताई वो आपको सही से फॉलो करनी, सही से फॉलो कर लो, कुछ नहीं होगा, रिलेशनशिप में दिक्कतें नहीं आएंगी, आप जितना दूर जाओगे इंसान से उतना वो इंसान आपके पास आता है। हमें लगता है हम दूर चले जाएंगे, फिर ऑनलाइन रहता है उससे बात करता है, कर रहे दो,
ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो इंसान कहीं नहीं जाएगा। और अगर जिसको जाना है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, बांध लो, वो जाने वाला है तो जाने वाला ही है। और अगर वो इंसान सच्ची में आपसे प्यार करता है, उसको इंपॉर्टेंस पता है आपके जाने की, आपको खोने का एहसास है, आपको खोने का डर है, तो उसको पता चल जाएगा नहीं यार अभी वो मेरे से दूर जा रहा है, अगर मैंने इससे और ज़्यादा बात की तो इंसान मेरे को छोड़ के जा सकता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैच्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस समय मैच्योर बनना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कैसे मैच्योरिटी दिखानी है और क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, बात करनी तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे बात कर सकते हो पर्सनली रिलेशनशिप रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।